अस्सलाम वालेकुम जी यू एक्स इंट्रोडक्शन के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वो कौन से ऐसे रोल्स हैं जो कि यू एक्स प्रोसेस में अपना एक अहम रोल अदा कर रहे होते हैं सो so, यहाँ पे कुछ टर्म्स के साथ आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं जैसा कि हम यू एक्स एम्ब्रेला में कुछ चीज़ें देख के आ चुके हैं यूज़र रिसर्च क्या होती है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या चीज़ है इंटरेक्शन डिज़ाइन क्या चीज़ है एंड द विजुअल डिज़ाइन तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रोल्स हैं और मज़ीद इनको एक्सप्लोर करते हैं कि यूज़र रिसर्चर क्या रोल है और इसके पास कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो ये सारे रोल्स डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मे बी टू और थ्री पीपल कवरिंग ऑल द रोल्स ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं तो हर रोल के लिए एक अलग से बंदा डेडिकेटेडली काम करें पॉसिबिलिटी है कि एक ही बंदा एज अ यूज़र रिसर्चर भी काम कर रहा है उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर के तौर पे भी काम कर रहा है वो इंट्रेक्शन डिज़ाइनर भी है और वो विजुअल डिज़ाइनर भी है और उसके बाद वो सारा डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद वो सारा डिज़ाइन हैंड ओवर करता है एक फ़्रंट एंड डेवलपर को और उसके बाद एक प्रोजेक्ट मैनेजर इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है तो पॉसिबिलिटी है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए छः बंदे नहीं बल्कि सिर्फ दो या तीन बंदों से पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा सकता है तो अगर यूज़र रिसर्चर की बात करें तो यूज़र रिसर्चर एक्चुअली अंडरस्टैंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है और यूज़र की नीड क्या है तो यूज़र रिसर्चर डिफ़रेंट तरह से डाटा कलेक्ट कर सकता है जैसे कि अगर आप मजीद यूज़र एज़ रिसर्चर मार्केट में काम करना चाहते हैं एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन टूडेज़ टाइम तो कुछ प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि हमारे पास गूगल स्प्रिंट्स हैं ठीक है आप विद इन सेवन डेज कुछ एक्टिविटीज रन करके अच्छा खासा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और उसकी बेस पे प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है एक हमारे पास है जी आईडियो प्रैक्टिसेस ठीक है आप इन प्रैक्टिसेस को भी सीख सकते हैं इनको लर्न कर सकते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनको रन करके यूजर्स के साथ डेटा कलेक्ट किया जा सकता है और एक बेहतर सोल्यूशन डिफाइन किया जा सकता है तो देर आर अराउंड फोटी एक्टिविटीज़ इसके अलावा आपको और भी मज़द एक्टिविटीज़ मिलेंगी प्रैक्टिस मिलेंगी जिनको यूज़ करके आप लोग यूज़र से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट हमारे पास रोल है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं इट्स वेरी सिंपल कि अगर आपको एक वेबसाइट का साइट मैप डिज़ाइन करना है कि आपने डाटा तो कलेक्ट कर लिया तो उसकी जो कंटेंट की और सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस किस तरह से होगी फ़ॉर एग्जांपल होम पेज के ऊपर आप क्या क्या कंटेंट दिखाने वाले हैं अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं होम पेज पर क्या क्या कॉन्टेंट आएगा ठीक है इसके बाद अगर इस कोई एजुकेशनल वेबसाइट्स है कोई स्कूल की वेबसाइट है तो एडमिशनस के अंदर कंटेंट को हम किस तरह से मैनेज करेंगे वो एडमिशनस किस किस तरह से ले सकता है हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन किस चीज़ में दिखानी है और हमने यूज़र को कैसे नेविगेट करना है तो ये जो पूरा साइट मैप है किसी भी वेबसाइट का किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का वो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है तो इन्फॉमेसन आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक यूज़र रिसर्चर भी प्ले कर सकता है जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये छः के छः रोल्स दो या तीन लोग मिल भी काम कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास इंटरेक्शन डिज़ाइनर है तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इंटरेक्शन डिजाइनर क्या करेगा सो देर इज एन एग्जाम्पल की एडिंग अ प्रोडक्ट टू द कार्ट एडिंग प्रोडक्ट टू कार्ट तो वट हैपन्न द यूजर एंटर्स द कार्ट ठीक है जब वो कार्ट में एंटर होगा सो वट विल हैपन ये इंटरेक्शन डिजाइनर डिसाइड करेगा अगर वो किसी बटन पे क्लिक करता है तो क्या इस बटन का कलर चेंज होगा या इसमें कोई शेडो ऐड होगा या इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो चेंज होगा सो व्हाट विल हैपन ये डिसाइड करेगा एक इंट्रेक्शन डिज़ाइनर और अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या मुझे इसी स्क्रीन पे कोई पॉपअप नज़र आएगा या ये मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करेगा सो इंटरेक्शन डिज़ाइनर विल डिसाइड अगर मैंने एक बटन पर क्लिक किया कि एडिंग प्रोडक्ट टू द कार्ट तो क्या यहाँ पे मुझे एक मैसेज नज़र आएगा कि द प्रोडक्ट हैज़ बीन एडिड टू कार्ट या मुझे यहाँ पे एक इंडिकेशन नज़र आएगी वन टू या जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए हैं कि जो मुझे इंडिकेट करे जो मुझे बताए कि द प्रोडक्ट हैज़ बीन एडिड सो ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी इंटरेक्शन डिज़ाइन में इसके बाद इसका प्राइमरी रोल जो इसके डिलीवरेबल्स हैं दैट आर द वायर फ्रेम्स एंड द प्रोटोटाइप्स तो वायर फ्रेम्स एक्चुअली क्या चीज़ है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बाद में हम इसको कम्प्लीट तरीके से देखेंगे कि जो भी एक कॉन्सेप्ट है तो वायर फ्रेम्स मुख्त तरह से किए जा सकते हैं एक वाइट पेपर पर भी किए जा सकते हैं या जैसे मैं इस वक्त फ़ोटोशॉप में अपना ब्रश यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी वायर फ्रेम्स ड्रॉ किए जा सकते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट आता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक होम पेज डिज़ाइन करने जा रहा हूँ एक मोबाइल एप्लीकेशन का तो यहाँ पे एक सर्च बार आएगी यहाँ पे कुछ टैब्स आएंगे और यहाँ पे मज़ीद मैं प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वो दिखाऊंगा यहाँ पे उसकी इमेज आ सकती है यहाँ पे उसका नाम और यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन ठीक है तो ये एक बड़ा लो फिडेलिटी वायर फ्रेम है इसके बाद अगर वो सर्च पे क्लिक करता है तो यहाँ पे वो कुछ टाइप करेगा यहाँ से वो सर्च को क्रॉस कर सकता है यहाँ पर उसको रिसेंट सर्च नज़र आएंगी और मज़ीद वो कुछ इस तरह से स्केच कर सकता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लो फडैलिटी वायर फ्रेम्स इसके बाद प्रोटोटाइप्स क्या चीज़ है प्रोटोटाइप्स आर यूज टू टेस्ट योर डिज़ाइन जैसा कि अगर मैं इसको किसी टूल में लेके जाता हूँ तो टूल में लेके जाने के बाद मैं कुछ फंक्शंस अप्लाई करूँगा तो एक यूज़र जब इस पर क्लिक करे तो वो उसको इस स्क्रीन पे मूव करे सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोटोटाइप्स तो इसके लिए मल्टीपल टूल्स यूज़ होते हैं लेकिन इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग काम करेंगे अडोबी एक्सी के अंदर और देखेंगे उसमें वायर फ्रेम्स कैसे बनते हैं और प्रोटोटाइपिंग कैसे की जा सकती है इसके बाद ही हम वापस आते हैं द नेक्स्ट वन इज़ द विज़ुअल डिज़ाइनर तो विजुअल डिज़ाइनर क्या काम कर रहा होता है तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूं कि यूज़र रिसर्चर और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और जो इंट्रेक्शन डिज़ाइनर अभी अभी तक हम देख चुके हैं उनके डिलीवरेबल्स क्या हो सकते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं और वो टूल्स कौन से इस्तेमाल करते हैं सो so, जैसा कि यूज़र रिसर्चर को हमने देखा कि वो सिर्फ डाटा कलेक्ट करता है तो अगर आप एक अच्छे यूज़र रिसर्चर बनना चाहते हैं सो so, आप लोग डाटा एक माइक्रोफोन से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कैमरा से पिक्चर्स ले सकते हैं ताकि आप इन्वायरमेंट को जज कर सकें ऑन द फील्ड जा के चीज़ों को देख सकें और इसके अलावा आप चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और पेपर के ऊपर नोट कर सकते हैं ठीक है तो जो डिलीवरेबल्स हैं दैट आर द यूज़र सोनाज कि आप किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं उनके क्या शौक़ हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं वो वो हम डिफ़ाइन करते हैं इसके अलावा जी हमारे पास कुछ इन्वेस्टिगेशन यूज़र स्टडीज़ होती हैं और जो भी इंटरव्यूज़ आपने किए उनके रिज़ल्ट सामने आ रहे होते हैं इसके बाद इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट डिफरेंट तरह के टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं जैसा कि वाइट बोर्ड एक टूल है माइंड मैनेजर एक्स माइंड तो इसमें डिफरेंट तरह के टूल्स मैं भी आपको बताऊंगा यूज़फुल टूल्स कौन से हैं फ्री टूल्स कौन से हैं और हम अडोबी एक्सटी यूज़ करेंगे इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्ट के लिए ठीक है तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि यूज़र रिसर्चर ने कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की और इस इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे तो एक टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड कार्ड शोटिंग टेक्निक तो इसमें uh, कुछ हेडिंग्स हैं और उसके बाद हम रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज़ कर देंगे ठीक है इसके बाद हमारे पास इंट्रेक्शन डिजाइनर है तो इंट्रेक्शन डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम देख चुके हैं द वायर फ्रेम्स एंड द प्रोटोटाइप्स ठीक है और मल्टीपल टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं एंड अलोबी एक्सटी इज वन ऑफ दम उसके बाद हम आते हैं जी विजुअल ग्राफिक डिज़ाइनर जिसको आप यू आई डिजाइनर भी कह सकते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं द स्टाइल गाइड्स राइट स्टाइल uh, गाइड्स हम बना के देखेंगे अपनी प्रैक्टिस uh, के अंदर जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो स्टाइल गाइड्स एक्चुअली अगर हम इसको थोड़ा सा देखें स्टाइल गाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक विजुअल डिज़ाइनर है और वो कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ करेगा उस वेबसाइट के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर uh, उन फोनस का साइज़ क्या होगा फॉर एग्जांपल हेडिंग साइज़ क्या होगा एच वन साइज उनका स्टाइल वो कौन सा यूज़ करेगा ठीक है इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें वो डिफ़ाइन करेगा स्टाइल गाइड के अंदर इसके बाद वो कलर्स कौन सा यूज़ करेगा ठीक है कलर्स और उनका जो हैक्स कोड है उसको वो यहाँ पर मैंशन करेगा ठीक है जी और इसके अलावा जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बटन है तो बटन की शेप क्या होगी उसके कॉर्नर्स बिल्कुल शार्प कॉर्नर्स होंगे या राउंडेड होंगे इसके अलावा अगर कोई टेक्स्ट फील्ड यूज़ की जाती है तो क्या टेक्स्ट फील्ड कुछ इस तरह की होगी या सिर्फ एक लाइन होगी और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जा सकता है तो इस तरह के डिफरेंट जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं उसको स्टाइल गाइड्स में भी डिफाइन किया जाता है अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका ब्रांड गाइड क्रिएटेड है तो ब्रांड गाइड एक्चुअली स्टाइल गाइड को सपोर्ट कर सकता है क्योंकि ब्रांड गाइड से हम उसके कलर्स को पिक कर सकते हैं हम उसके फॉर्ट्स को पिक कर सकते हैं और हम उसके जो डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं हम वहाँ से भी इंस्पायरेशन ले सकते हैं सो दैट द यूज़र शुड नो कि आप उसी ब्रांड की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ही हैं किसी और वेबसाइट पर नहीं गए तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जिसके ब्रांड गाइड ऑलरेडी क्रिएटेड है तो इस ब्रांड गाइड से स्टाइल गाइड्स बड़ी आसानी से क्रिएट की जा सकती हैं इसके अलावा जी हमारे पास डिफरेंट मॉकअप्स हैं कि वो एक जो एप्लीकेशन या वेबसाइट है वो जब रियल लाइफ में होगी तो वो कैसी नज़र आएगी इसके अलावा ग्राफिक फ़ाइल्स हैं जब भी डिज़ाइन कंप्लीट किया जाता है तो वो डिज़ाइन डेवलपर के साथ कैसे शेयर किया जाए क्लाइंट्स के साथ कैसे शेयर किया जाए यूज़र्स के साथ कैसे शेयर किया जाए तो एक विजुअल डिज़ाइनर को आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी फ़ाइल कहाँ कहाँ पर सूटेबल हैं तो इसके लिए डिफरेंट यूज टूल्स यूज़ किए जाते हैं फोटोशॉप में भी बहुत सारे लोग यू आई डिज़ाइंस बनाते हैं इलस्ट्रेटर में स्टिल द पीपल यूज़ इलस्ट्रेटर फॉर द यू आई डिज़ाइन स्केच एक टूल है एंड अडी एक्सटी इज़ अनदर वन ऑफ द टूल ठीक है जी इसके बाद हम आते हैं फ्रंट एंड डेवलपर सो एक्चुअली ये हमारा काम नहीं है लेकिन इस पूरे प्रोसेस में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल टू कन्वर्ट द डिज़ाइन इन टू द लाइफ वेबसाइट और द लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन तो विजुल डिज़ाइनर जो भी डिलेवरेबल्स देगा तो ये सारी फाइल जो डिवेल्पमेंट में यूज़ होंगी वो एक फ्रंट एंड डिवेल्पर यूज़ करेगा और कोड करेगा और इसके जो डिलेवरेबल्स हैं वो एक वर्किंग फंक्शनल वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन है ठीक है तो यहाँ पर जो टूल्स हैं ये सिर्फ वेबसाइट के लिए हैं और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर लैंग्वेज़ डिफरेंट हो जाती हैं इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर है तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि फ्रॉम द स्टार्ट टू तो फिनिश इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करे अपने रिसोर्स को मैनेज करे और कम्युनिकेशन सही तरीके से करे बिटवीन द बिज़नेस स्टैक होल्डर्स ठीक है और इसमें दो यू एक्स टीम हैं और जो बिज़नेस टीम है उनमें एक बेहतर कम्युनिकेशन होनी चाहिए बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं ऑनलाइन जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सो so, ये हमारे पास कुछ रोल्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पर एक बड़ी ख़ूबसूरत बात है कि मे बी यू आर अपलाइंग फॉर आई यूएक्स आर्किटेक्ट पॉसिबिलिटी है कि आपकी लोकल मार्केट में या फ्रीलांस मार्केट में आप यूएक्स आर्किटेक्ट की जॉब देखें लेकिन इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट के तौर पे काम करेंगे लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप एज अ यूज़र रिसर्चर भी काम करें इस स्पेसिफ़िक जॉब के अंदर आप एज़ अ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट भी काम करें आप इंटरेक्शन डिज़ाइनर के तौर पे भी काम करें और विजुअल डिज़ाइनर के तौर पे भी काम करना पड़ सकता है सो so, ये चीज़ें आपस में बड़ी क्लोज़ली आप इंटरलिक्ड हैं और यहाँ पे इस बात का मकसद ये है कि अगर कोई इस तरह की जॉब आती है यू शुड नो कि इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम रोल्स प्ले करने पड़ें So, this was all about the common rules in the UX. See you in the next lesson. Thank you so much.